YouTuber Sanvi. Finally, my exams are over and I'm back on YouTube with all my YouTube friends. आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक हिंदी की कहानी सुनाऊं, जो कहानी मेरे सारे YouTube दोस्तों के लिए है जो छोटे हैं। और मेरी हिंदी की कहानी का नाम है सच्चा मित्र हाथी। एक बार की बात है, जंगल में एक हाथी रहता था, उसका कोई मित्र नहीं था। एक दिन वह मित्र की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहा था। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने बंदर से पूछा, बंदर बंदर, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? बंदर बोला, हाथी भाई, तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो मेरी तरह पेड़ पर झूल भी नहीं सकते, फिर हम दोनों मित्र कैसे बनेंगे? फिर हाथी आगे चलता गया। उसे फिर एक खरगोश मिला। उसने खरगोश से पूछा, खरगोश खरगोश, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? खरगोश बोला, हाथी भाई, तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो मेरे बिल में भी नहीं घुस सकते, फिर हम दोनों मित्र कैसे बनेंगे? फिर हाथी आगे चलता गया, फिर उसे एक हिरण मिला। उसने हिरण से पूछा, हिरण हिरण, क्या तुम मेरे मित्र बनोगे? हिरण भी बोला, हाथी भाई, तुम तो इतने बड़े हो, तुम तो मेरी तरह भाग भी नहीं सकते, फिर हम दोनों मित्र कैसे बनेंगे? हाथी को बड़ा ही अजीब लगा कि कोई उसका मित्र क्यों नहीं बनना चाहता। अगले दिन हाथी ने देखा कि जंगल के सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उसने हिरण से पूछा, हिरण हिरण, क्या तुम मुझे बताओगे कि जंगल के सारे जानवर क्यों भाग रहे हैं? हिरण ने बताया कि शेर हम सारे जानवरों के पीछे आ गया है और हम सबको खा जाना चाहता है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। फिर हाथी शेर से मिलने गया। उसने शेर से पूछा, शेर, तुम सारे जानवरों को क्यों मारना चाहते हो? तुम सबको एक ही दिन में क्यों खा जाना चाहते हो? शेर बोला, मेरा जो मन में आएगा मैं वो करूँगा, तुम्हें क्या, तुम तो यहाँ से जाओ। हाथी को समझ आ गया कि शेर ऐसे नहीं मारने वाला। तब हाथी ने जोर से शेर को लात मारी और शेर डर के भाग गया। हाथी ने सबको यह बात बताई तो सब जानवर खुशी से झूम उठे और सबने हाथी को बोला, धन्यवाद हाथी, तुम ही हमारे सच्चे मित्र हो। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो मुसीबत में हमारी मदद करता है। धन्यवाद।